मैं आपको एक चीज बोल सकता हूं कि जब जब मैंने टेस्ट कैप्टनसी छोड़ी तो मुझे सिर्फ एक इंसान का मैसेज आया जिनके साथ मैंने खेला हुआ है पहले, वो है MS धोनी। और बहुत लोगों के पास मेरा नंबर है और मतलब टीवी पे बहुत लोग सजेशंस देते हैं, टीवी पे बहुत लोगों के पास बोलने के लिए होता है, बट जिनके पास मेरा नंबर है किसी का और मैसेज नहीं आया। तो एक रिस्पेक्ट, एक जो एक कनेक्शन होता है किसी के साथ, वो जब जेन्युइन होता है तो वो इस तरीके से दिखता है, क्योंकि दोनों तरफ सिक्योरिटी होती है ना, उनको मुझसे कुछ चाहिए ना मुझे उनसे कुछ चाहिए, और ना मैं उनसे कभी इनसिक्योर था ना वो कभी मुझसे इनसिक्योर था। तो बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं अगर किसी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ तो मैं उसको इंडिविजुअली रीच आउट करता हूँ। अगर आपको हेल्प भी करनी है किसी की, मतलब आप सजेशन पूरी दुनिया के आगे देंगे तो फिर उसकी वैल्यू मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अगर मेरे लिए आज जो नवाज ने किया है, नवाज के बगैर पाकिस्तान को जीतना नवाजी जाती। तो नवाज, हैट्स ऑफ टू यू, और तुमने बहुत अच्छा खेला, जबरदस्त, फंटास्टिक, शादाब स्पिनर्स, नवाज एज अ स्पिनर, वेल डन, ग्रेट जॉब, नसीम यू लुक गुड, दिल नहीं हारना, विकेट पे बिल्कुल ग्रास उड़ा दिया गया था, बैटिंग विकेट बना दिया गया था, सब प्लॉन्टेड विकेट बना दिया गया था और मारी जा रहे थे। इंडिया की मुझे समझ नहीं आती, इंडिया किस स्टाइल ऑफ क्रिकेट खेलना चाहता है, क्योंकि जो भी आ रहा है मारी जा रहा है, मार रहा है, सूर्य कुमार यादव मार रहा है, केएल राहुल मार रहा है, रोहित शर्मा की फॉर्म नहीं वो भी मार रहा है, ऋषभ पंत भी मार रहा है,